किधर जा रहे हो राजा जी? ओ राजा जी किधर जा रहे हो? ओहो ये की राजा जी आया वो ओ राजा Assalamualaikum, welcome back to Zed Vlogs and I hope you are all doing well. And हमारे साथ as usual राजा जी है हमारे साथ. तो राजा जी फिर वहाँ से आप अटक राउंड लगाने हैं, मतलब हमारे पास मिलने आए हुए. तो राजा जी अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं. तो 2 बज गए हैं तो 2 बजे आई थिंक लंच का टाइम होता है और आपको भूख भी लगी है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. तो बड़ी जोर से हाँ सही जोर से. और आज आपकी फेवरेट चीज़ है पता है आपको खिलानी है आपको. आपकी फेवरेट चीज आपकी पनू पल्लाओ. वाओ ना? चले ना यार. तो आज राज जी को ट्राई करवाते हैं बनू पुलाव. ठीक है हम बनू पुलाव पे खड़े हैं अटक में जो तरमीला के बिल्कुल पास है. तो राज जी यार एक सीन है, मतलब आपको अगर याद हो लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था. व्हाट वाज द क्वेश्चन? वो क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया है और सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं वो सारे चाहते हैं कि इसका जवाब जरूर मिले. तो जवाब क्या होना चाहिए? मतलब आपसे मैंने एक स्टोरी पूछी थी, आपको क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन तो याद है, आंसर याद नहीं यार. यार इसमें यार क्या मतलब जो वो बात वही है ना, जब देखे एग्जामिनेशन हॉल में बंदा बैठता है क्वेश्चन पेपर पहले सारा आता होता है. जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है बंदा सारा भूल जाए. मेरे साथ अभी वही सिस्टम है समझ लो. नहीं नहीं मैंने आपको एक दिन का टाइम दिया था. मैंने कहा था नेक्स्ट पिछले लास्ट व्लॉग में आपसे क्वेश्चन किया था उसमें आपने टाइम मांगा था तो वो क्वेश्चन पेंडिंग में चला गया था. तो अब भी सीन है कि आपने शेयर करना पड़ेगा. यू हैव टू शेयर ब्रो. चलें तो अभी खाना खाते हैं. नहीं 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 नेक्स्ट व्लॉग नहीं हो सकता. खाना खाते हैं फिर साथ साथ आप याद करें क्या चीज थी मतलब जो आपको कुट पड़ी हो लेवल वाली. ठीक है लाइफ में तो वो आपने शेयर करनी है. तो कैसे पड़ी थी, क्यों पड़ी थी, व्हाट वाज द लॉजिक एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस कुट डैड कुट सॉरी. और तो फिर आप खाना खिलाते हैं, आपकी भूख ठीक हो जाएगी, आप फिर एक्टिव हो जाएंगे, फिर आपको मेमोरी भी तेज हो जाएगी, फिर आपको सबको याद हो जाएगा, फिर आपने हमें शेयर करना है, फिर नेक्स्ट मेरी बारी. ठीक है मैं तो कहता हूँ शुरुआत आपसे ना कीजिए. नहीं हक मेरा इसलिए क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन पूछा आपसे और सब्सक्राइबर चाहते हैं कि आप ये स्टोरी बताएं कि कुट क्यों पड़ी थी और कैसी पड़ी थी लेवल वाली कुट. मजा आ जाए फरमाइश है. तो अभी आपको खाना खिलाते हैं फिर उसके बाद जो है ना आपने स्टोरी शेयर करनी है जो लेवल हुई कुट पड़ी तानो ओली. ठीक हो गया लेवल और याद कर सो. अभी हम राज जी को खाना खिलाते हैं चावल से और फिर हम करते हैं. ठीक है ठीक है जी फिर मिलते हैं. राज जी चावल आपके आ गए हैं. ठीक है लेकिन अब शर्त ये चावल खाने से पहले आपने स्टोरी बतानी है. स्टोरी बताओ जी. अच्छा तो आपसे सवाल ये किया था कि आपको जिंदगी में कभी कुट पड़ी हो घर वालों सही वाले लेवल की. ठीक है तो वो आपको सब्सक्राइब से जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करनी है. सो कोई है कोई सीन ऐसे कोई कुट याद हो आपको बचपन की? यार मैं तो कल से सोच रहा था ऐसी कौन सी है. खाई तो है लेकिन ये कि मैं कल से ये सोच रहा हूँ कौन सी है जो शेयर भी करूँ ना. अच्छा तो अच्छी भी हो शेयर करनी है जो सही वाली शेयर जो आप हाँ, सही कुट पड़ी लेवल वाली. तो अब मैं इस तरह हुआ एक दिन की चल मैं आपको बताता हूँ. एक दिन इस तरह हुआ मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था. अच्छा तो अच्छा आगे तो फिर ये अभी आप निकाल सकते हैं पहले ठहरो पहले स्टोरी बताओगे फिर. अच्छा जी बचपन में आपको 5वीं क्लास में थे आप? हाँ उस मैं 5वीं क्लास में था ना. अच्छा तो अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है. मेरा ऐसा हुआ कि उस दिन टेस्ट हुआ. अच्छा वल्ला आलम यार टेस्ट पता नहीं किस चीज़ का था, उर्दू का था या इंग्लिश का था ये अब मेरे जहन में नहीं है. खैर चले जो भी टेस्ट था. अच्छा तो उसमें मैं फेल हो गया. ओह फेल. फेल हुआ तो मैंने बड़ी टेंशन ली. घर पहुंचा तो घर के करीब था मतलब कि ना तो मेरे जहन में एक स्कीम आई. बड़ा हरामी हो बेटा. मैंने सोचा यार ये बाहर ग्राउंड है. अच्छा सयाने बचपन तो है तुसी है ना. अच्छा आगे तो उस ग्राउंड में मैं पहुंचा तो उधर जो है ना कॉपी में उसके टेस्ट होते थे तो वो मैंने फेंक दिया फाड़ के ना फेंक दिया. रख दो रख दो. और अच्छा. उसको तो ये है कि हमारी जो टीचर थी वो ऊपर कहती थी यार जो जो बच्चा टेस्ट दे रहा है अपने पेज पे नाम लिखो. अच्छा तो नाम लिखा था तो मैंने जैसे ही फाड़ा ना फाड़ के मैं सीना चौड़ा कीता जनाब जा रहा है और राय साहब जा रहे जी कार पहुंच गए खुशी ना कोई टेंशन नहीं कोई टेंशन नहीं. अम्मी री पूछने जी पुत्र टेस्ट के जाओ. मैं क्या मिस ही नहीं आई अम्मी जी के घर. अच्छा
कल उसी टेस्ट। फिर पुत्र सही तैयारी कर, पुत्र सही तैयारी कर ताकि टेस्ट नंबर पूरे आवन। मैं कोई गल ही, मैं खुशी नाल यार, मैंने कहा कोई मसला सीन नहीं चल गया। सीन चल गया, अभी आधा पौना घंटा नहीं गुजरा ना, यकीन करें इसी तरह खाना सामने पड़ा हुआ था। अच्छा आज भी खाना, आज भी खाना पड़ा है, लेकिन फिलहाल स्टोरी बताने के बाद आप खा सकते हैं। अच्छा तो साथ वाली पड़ोसन आ गई, मतलब वो आई तो उसके हाथ में एक पेज। मैंने कहा यार पतंग क्या सीन है क्या नहीं। खैर मैं उसे अंदर ले आया, आज अम्मी इधर बैठी, अम्मी के पास ले गया। तो कहती हैं ये देखें जी आपके बेटे का टेस्ट। मेरे तो वो छोड़ गए, मेरे यकीन करें एक सा आवे एक जावे, कुछ रहना नहीं, कख नहीं रहा मेरे अंदर, खत्म हो गए। खत्म, मैं कह रहा आज गया जी बस खत्म, कहानी मुक गई, खलास बस यार। पसीना छुटे, पसीना छुटे, यकीन कर झूठ पकड़ा गया। मैं आख्या चंगी भली मिसा कल आना आया, ये टेस्ट आज आ गया। अम्मी और लाई जुत्ती, उसने भी इंतजार नहीं किया यार, जुले तो पुत्र सामने ही। अच्छा जुत्ती लाई ना, शुरू हो गए जुत्ती लाई, मैं आगे आगे जुतियां पीछे पीछे, मैं आगे आगे जुत्ती पीछे पीछे जुत्ती। खैर उसने वाड़ा ही अंदर, इसमें पसंद क्वार्टर सिस्टम था, मतलब रहते थे स्टेट एरिया में, तो उधर पीछे बाढ़ लगी थी तो जुत्ती मारी अम्मी ने, तो बाढ़ में अंदर चली गई। तो मुझे पता नहीं चला जी चमचा कहाँ से आ गया, चमचे भी आ गए यार, कोई समझ नहीं लगी। बस ये सीन था, तो अल्लाह किया को बच गया, तो उसे गेट खोला मैं बाहर निकल गया, फिर बच गया। उसके बाद फिर आऊंगा, उसके बाद मैं घंटे बाद, दो घंटे बाद घर वापस आया तो मामला जो है सेट हो गए थे। अच्छा चलो जी, ये स्टोरी थी राजा जी की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हमारी स्टोरी होगी। हाँ। आपने माशाल्लाह खा लिया बनू पुलाव, तो कैसा लगा टेस्ट आपको इसका? बहुत अच्छा टेस्ट है यार इसका, मैं कहता हूँ इसका लेवल है। अच्छा इस जैसा टेस्ट मैंने वाह में भी नहीं देखा। वाह जी वाह, तो ठीक है इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है तो तब तक के लिए इनको बाय बाय कर दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अभी हम भी चलते हैं, खाना खा लिया हमने भी, तो राजी आओ ना इधर, टाटा करो। अच्छा राज जी बाय बाय हो गया। ओके जी अल्लाह हाफिज़, बाय। तो राज जी एक मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ यार हमारे उसका व्यूअर्स का, वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते लोग चैनल, ना ही लाइक करते हैं, तो कोई मैसेज देना इनको कोई मजे वाला। क्या बढ़ाया, सबर कर, किधर जा रहे हो राज जी? ओ राज जी किधर जा रहे हो? ओहो ये की राज जी आया, अब कह रहा है वो सब्सक्राइब नहीं करना दस। अच्छा अब देख लो राजू गुस्सा चढ़ गया, सब्सक्राइब करो, चलो नहीं ये अब मैसेज मिल गया। राजू इतना गुस्सा नहीं करना, प्यार से समझाए तो लाइक भी करेंगे, लाइक भी बोलेना। हाँ भाई लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना है, गुस्सा ठंडा हो गया, शेयर भी करने। हाँ जी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।